नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमरजेंसी एक्सप्रेस में। आज हम बात करेंगे सिक्स्थ डिजीज के बारे में। दोस्तों किसे कहते हैं सिक्स्थ डिजीज? दोस्तों रोजियोला इन्फेंटम, जिसको हम एग्जेंथम सुविटम भी बोलते हैं, ये सिक्स्थ डिजीज भी कही जाती है। क्यों कहते हैं? ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 से होने वाली बीमारी है, इसलिए हम इसको सिक्स्थ डिजीज बोलते हैं। दोस्तों इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 15 दिन होता है और ये 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है। पीक टाइम होता है 2 से 3 साल। किस तरीके से क्लिनिकली प्रेजेंट करता है? खांसी जुकाम बुखार के तरीके से प्रेजेंट करेगा। बुखार इसमें तेज होगा, 3 दिन तक तेज बुखार रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके कम आना चालू कर देगा। और जैसे बुखार कम आना चालू होगा, बच्चा सही होना चालू हो जाएगा, और जब सही होने वाली कैटेगरी में होगा तब बच्चे के शरीर पे गुलाबी रंग के रैशेस पड़ जाते हैं। घर वाले घबरा जाते हैं, क्या हो गया कि भाई अब तो बच्चा सही हो रहा है, अब इसके गुलाबी रैशेस पड़ने लग गए हैं। दोस्तों ये जो रैशेस होते हैं सिर्फ 24 से 48 घंटे तक रहते हैं और इसके बाद अपने आप सही हो जाते हैं। रैशेस की खास बात ये होती है, गुलाबी होते हैं, मैक्यूलर होते हैं, मतलब स्किन से मिले हुए होते हैं, उभरे हुए नहीं होते हैं, और ये रैशेस चेहरे पर नहीं होते हैं। बच्चे के गर्दन के पीछे और यहां पर गिल्टियां बढ़ जाती हैं, यानी पोस्ट ऑरिकुलर सबमेंडिबुलर लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है। एग्जेंथम सुविटम, रोजेला इन्फेंटम या सिक्स डिजीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए एमरजेंसी एक्सप्रेस।